ये औरतें आ रही है पूजा पाठ करने, हम लोग पहुंच गए हैं। फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आज के दिन हम मतलब कि जा रहे हैं गांव के काली मैया का दर्शन करने, और आज का दिन स्पेशल होता है हमारे पूरे ग्रामवासियों के लिए, पूरे क्षेत्रवासियों के लिए, क्योंकि आज के दिन काली मैया का पूजा होता है। पूरे गांव की औरतें होती है, वो पुआ पूड़ी सब मतलब कि सब पकवान जो होता है वो बना के लेके जाती है काली मैया को चढ़ाने के लिए। तो चलिए दर्शन कराते हैं काली मैया का आज सुबह सुबह आपको, तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। हम लोग पहुंच गए हैं काली मैया के मंदिर के पास। बारिश के कारण रोड पूरा ख़राब हो चुका है, कच्ची रास्ता है। हम अभी काली मैया के मंदिर में देख रहे हैं पीछे में कितना भीड़ है। मतलब कि आज हमारे गांव में काली मैया का पूजा है, पूरे गांव के आदमी मतलब ये औरतें आती है यहां पे पूजा पाठ करने के लिए। देखिए कितना भीड़ है यहां पे, आपको पूरा नज़ारा अभी दिखा रहे हैं। तो यहां पे देखिए ढोलकिया बाजा बजा रहे हैं। पूजा पाठ चल रहा है काली मैया के मंदिर में। अभी काली मैया के मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ है, अभी औरतें प्रवेश कर चुकी है इसमें। जो अभी सामने में आपको दिखाई दे रहा है, ये नया वाला काली मैया का मंदिर बन रहा है, वो पिछले ब्लॉग में आपको बताए थे। हमारे गांव के मुखिया जी यहां पे अभी आए हैं। मुखिया आए करो, हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? का ब्लॉग के बारे में जा बोल जोन तरफ जा तने को हाय को सही को अरे मुखिया ए मर्द हम नहीं खाएंगे। चल बोल क्या बोली, बोल कुछ वो ब्लॉग के बारे में। अभी क्या होता है गांव में, हमने के काली भाई का आज हमने के पूजा ही होता भाई लोग देखो लोग, और भाई हमने के बोल भैया बना देखा वाला का इधर पे देखा वाला। अरे हमारा के देखा तो तो हमारे गांव के काली मैया का मंदिर जो है वो लमसम अब तैयार हो रहा है। यहाँ पे काम हो चुका है, और यहाँ पे जो डिजाइन कटता है वाला डिजाइन वाला मतलब कि पूरा नक्शा तैयार हो चुका है, और इसके ऊपर से अब ढलाई होगा। और हमारे पूरे गांव की जो औरतें होती है वो आज पुजाई करने के लिए आती है काली मैया के मंदिर पे। देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे। गीत भी औरतें गा रही है, और देखिए अभी वहाँ पे औरतें सब पूजा पाठ करके जा रही है। आज पूजा पाठ है, बताइए कब से परंपरा चला आ रहा है? सदियों से चला रहा है, बाप पे दादा सब किया है, हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोग लड़का भी लोग करेगा, नाती पोता भी करेगा। बहुत दिन से वही तो काली मैया का मंदिर बन रहा है यहाँ पे, रह रहे हैं कितना दिन जिस दिन से काम काम लगा उस दिन से रह रहे हैं। अभी भी लगातार गांव की औरतें आ रही है पूजा करने के लिए, और ये आज का दिन स्पेशल होता है हमारे काली मैया के मंदिर पे। बहुत ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पे, और ये रहे माइक मास्टर, मंद मंद मुस्कान छोड़ रहे हैं। काहे लिए आए हैं यहाँ पे, हैं माइक के पूजा में? अच्छा माइक के पूजा में है। अच्छा, तो अभी गांव की औरतों का कतार अभी बंद नहीं हो रहा है, अभी भी लाइन लगा हुआ है।
अभी मतलब कि 12 एक बजे दोपहर तक यहाँ पे पूजा पाठ चलेगा और वो लोग डुबी बजा रहे हैं, यहाँ पे माइक भी लगा है ऊपर में और मैया का पूजा चल रहा है यहाँ पे। मौसम का हाल बता दे आपको तो हमारे गांव में अभी 2 से 4 दिन हो गया लगातार बारिश अभी हो रहा है, बारिश छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है, अभी भी बूंदा बूंदी बारिश हो रहा है और इसी बीच में काली मैया का पूजा भी चल रहा है और ये एक लड़का इधर घूम रहा है। तो यहाँ पे हमारा मतलब कि काली मैया का जो बलि दिया जाता है उसका कार्यक्रम चालू हो चुका है और हमारे ग्राम के सभी लोग यहाँ पे जुट चुके हैं और अभी बाड़ा का पूजा चल रहा है जो बलि दिया जाता है और यहाँ पे खस्सी है और यहाँ पे हमारे गांव के लोग पूजा पाठ करा रहे हैं और पंडित जी बैठे हैं, पूजा अभी करवाएंगे उसके बाद से बलि दिया जाएगा। यहाँ पे ये खस्सी है और पंडित जी पूजा पाठ करा रहे हैं और अभी उसके बाद से बलि दिया जाएगा। हमारे यहाँ एक चीज बहुत बढ़िया है कि बलि में केवल कान काटा जाता है, पूरा बलि नहीं दिया जाता है, मतलब कि बहुत पहले से ही यही नियम चला आया है, हमारे ग्रामवासी यही करते हैं, केवल कान काट के थोड़ा सा काली मैया को अर्पित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे खसी देखी है, काली मैया को अर्पित कर दिया गया और अब खसी का कान काट के काली मैया को अर्पित किया जाएगा। और अब यहाँ पे खसी का नंबर है और देखिए अभी अब काली मैया का चुनरी उड़ाया जा रहा है खसी को और उसके बाद से इसका भी कान काट करके काली मैया को अर्पित किया जाएगा। वो भी थोड़ा सा कान काटा जाता है, बहुत पहले से ही मान्यता है हमारे यहाँ की, बहुत मतलब कि पूरा बलि नहीं दिया जाता है कभी भी, थोड़ा सा कान काट दिया जाता है और उसके बाद काली मैया को अर्पित कर दिया जाता है और अभी गुड़ खिलाया जाएगा। पूरे ग्रामवासी में मतलब कि पूरे गांव के लोगों में हर्षोल्लास है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है काली पूजा हमारे यहाँ। तो अब हमारे गांव के ये चाचा जी हैं और देखिए अभी काली जी का पूजा पाठ कर रहे हैं खसी को, खसी का पूजा पाठ करने के बाद कान काटा जाएगा। पूजा संपन्न होने के साथ ही बलि दिया, बलि में कान काटा जाएगा। तो यहाँ पे पूजा अब संपन्न होने ही वाला है, गुड़ खिला दिया गया और अब गुड़ खिला दिया गया है तो अब बलि भी दिया जाएगा तुरंत। अब देखिए अब खसी का कान काटा जा रहा है, थोड़ा सा ही कान काटा जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं काटा जाता है हमारे यहाँ। कान काट के ऊपर छोड़ दिया गया और यहाँ पे हमारे गांव के सारे लोग मतलब कि पूरे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे पंडित जी लोग हवन वाला कार्यक्रम अब चालू करेंगे। वहाँ पे देखिए हवन कार्यक्रम चालू होने वाला है, पंडित जी लोग सामान जुटा रहे हैं सब, उसके बाद से हवन चालू होगा और यहाँ पे देखिए हवन चालू हो चुका है, हवन
शांति के बाद हम लोग घर जाएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे, तब तक यहीं पर रुकेंगे हम लोग। अब यहाँ से निकल गए हैं काली मैया का दर्शन करके और घर पे जा रहे हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए, क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल होता है पूरे गांव में। देखिए अभी भी साउंड आ रहा है आपको, काली मैया का पूजा चल रहा है। रास्ता बिल्कुल बढ़िया नहीं है, पूरा 4-5 दिन से बारिश इतना ज़्यादा हो रहा है कि चारों तरफ में एकदम पूरा कीचकच हो गया है, कीचड़ सा हो गया है। और हर घर में आज पूजा ही होता है, सभी लोग काली मैया का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो अभी पहुंचते हैं घर पे। हम पे रहा काली मैया का मंदिर, वहाँ पे पुजारी करने के बाद एक यहाँ पे माता रानी है हमारे गांव की सैरी माता, तो यहाँ पे भी लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। पूरा गांव की औरतें जो है पूजा करने के लिए अभी यहाँ पे भी आई है। तो यहाँ पे भी आपको दिखा रहे हैं मंदिर में पूजा पाठ चल रहा है। और हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं घर के लिए। हम लोग घर पे पहुँचने के साथ ही प्रसाद ग्रहण कर लिए हैं। और आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।